एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प। भारत के 3 जाबाज इस झड़प में शहीद हो गए। झड़प में 5 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में एक बैठक ली। सीडीएस सहित तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ में बैठक हुई। अब रक्षा मंत्री कुछ ही देर के बाद में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। भारत और चीन के बीच में हिंसक झड़प हुई है एलएसी पर और भारत के 3 जाबाज अफसर भी शहीद हुए। एक अफसर और 2 सैनिक इस पूरी झड़प में शहीद होने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। चाइना के भी 5 जवान शहीद हुए हैं और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस की बैठक ली। बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही कुछ ही देर के बाद में रक्षा मंत्री जो है वो पीएम मोदी से इस संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। हलचल जो है वो सीमा पर बढ़ चुकी है। एलएसी पर झड़प हुई है हिंसक और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फिलहाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक हिंसक झड़प की खबर आ रही है जिसमें 3 जाबाज भारत के भी शहीद हुए हैं। जेटी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि चीन की तरफ से भी 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है। जी, हमारे जो 3 लोग मारे गए उनमें एक कर्नल है जो पंजाब रेजिमेंट के थे, एक जीओसी थे जी, और एक सिपाही था जो बिहार रेजिमेंट के थे दोनों जी। चीन की तरफ से 3 जवानों के मरने की खबर आई है, लेकिन चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का पिट्ठू अखबार माना जाता है, उसके एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया है कि चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए जी। हो सकता है चीन ये चाहता होगा एग्जेजरेट करके बताए और कोई वेरीफाई तो कर नहीं पाएगा चीन में कितने मरे और कितने घायल हुए, तो चीन प्रोपेगेट करना चाहता हो दुनिया के सामने कि पहले एग्रेशन हमने दिखाया और हमने ज्यादा लोग मार दिए और चीन ने बदले में किया तो कम लोग मरे और चीन अपने आप को ये बताया कि वो आक्रांता नहीं है जी। इसलिए ये वहां के ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर के ट्वीट को मैं इस तरह लेता हूं कि ये एक तरह से डिप्लोमेटिक वॉर है मीडिया के जरिए जी, बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुख और जो डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनसे मीटिंग की है और थोड़ी देर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं जी। और वहां पे सीमा के हालात, एलएसी के हालात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात बताएंगे, कल रात की घटना की जानकारी देंगे, तथ्यवार, पॉइंट वार, टाइम वार, और उसके बाद फर्दर क्या भारत एक्शन ले इस पर शायद भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां मौजूद रहे उस वक्त जी, और कोई फैसला हो या आगे की रणनीति बनाई जाए इसकी पूरी संभावना है जी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़प में ये पहली मौत हुई है, यानी कि 45 साल बाद भारत की कोई कैजुअलिटी हुई है चीन के साथ झड़प में जी। अनिल जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि चीन और भारत के बीच में हथियार उठाने पर फिलहाल प्रतिबंध था, इसी बीच में ऐसी खबर सामने आना जहां झड़प में लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि चीन की जो सेना थी और भारत की सेना थी आपसी सामंजस्य के बाद कुछ कुछ किलोमीटर पीछे हट गई थी, उसके बीच में अचानक से फिर एक बार ये मतभेद कैसे सामने आया? ऐसा पता लग रहा है कि हथियार उठाए नहीं गए, गोली चलाई नहीं गई और नुकीले पत्थरों से वार करके ये हमला किया गया और कंटीले तार लेकर आए थे वो जी, शायद तारबंदी करना चाहते थे, भारत के इलाके को अपने हद में लेना चाहते थे ऐसा लगता है। अब एक्चुअल क्या हुआ वो तो सरकार का अधिकृत बयान आएगा, रक्षा मंत्रालय का या विदेश मंत्रालय तो पता लगेगा जी, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल माना ही जा रहा है कि नुकीले पत्थरों से और कंटीले तारों से हमला किया गया और उससे किया गया, गोली नहीं चली दोनों ओर से, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है। वास्तविकता सामने तब आएगी जब दोनों में से कोई सरकार अधिकृत बयान देगी जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए अनिल जी।